नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला पंचायत वाद 2022 उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से सक्रिय हो रही है, जिसके तहत 10 जनवरी 2021 को कानपुर में समीक्षा बैठक करने आए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कानपुर आप पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। कानपुर आप पदाधिकारियों के जोश व उत्साह एवं एकत्रित भीड़ को देखकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अब निश्चित है। समीक्षा बैठक में कानपुर नगर के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को विजय का प्रतीक तलवार कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष अरविंद कटियार ने भेंट की है। कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को विजय दिलाने हेतु आम आदमी पार्टी यूथ विंग कानपुर प्रभारी विजय प्रताप सिंह द्वारा तैयार किए गए विजय रथ को दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम व विधायक राजेश गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपने संबोधन में कानपुर नगर के जिलाध्यक्ष अरविंद कटियार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कानपुर पदाधिकारियों ने आज जो कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता दिलाई है उसके लिए धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि कानपुर में बना विजय रथ सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को विजय दिलाएगा। समीक्षा बैठक में विजय प्रताप सिंह यूथ विंग प्रभारी के संघर्ष आम आदमी पार्टी के लिए किए जा रहे कार्यों को देखकर सर्वसम्मति से कानपुर जिला अध्यक्ष अरविंद कटियार ने विजय प्रताप सिंह को प्रभारी गोविंद नगर विधानसभा की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे विजय प्रताप ने स्वीकार करते हुए कहा कि 2022 में गोविंद नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के लिए जीत दिलाना हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, राजेश गुप्ता विधायक, रुचि यादव प्रभारी कानपुर, अरविंद कटियार जिलाध्यक्ष कानपुर, बलवंत सचान उपाध्यक्ष, संदीप शुक्ला जिला सचिव, विजय प्रताप सिंह यूथ विंग प्रभारी, निशा निगम महिला अध्यक्ष, विवेक द्विवेदी, राजीव कटिहार, पंकज दीक्षित, केपी त्रिपाठी, संजय झा, गिरीश चंद सहित भारी संख्या में आम आदमी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।